सोलन में गैर कृषक संघर्ष समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष गिरीश सहनी ने बताया कि उनकी संस्था में करीब 2 लाख सदस्य हैं और वे 100 वर्ष से भी ज्यादा समय हिमाचल में रह रहे हैं, लेकिन वे गैर कृषक हैं। अगर हिमाचल में जमीन खरीदना चाहते हैं तो वे नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन सरकार बाहर से आने वाले व्यवसायियों पूंजीपतियों को सैकड़ों बीघा जमीन खरीदने की अनुमति दे रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा इस कानून में कुछ बदलाव लाकर वर्ष 1974 से पहले रह रहे लोगों को उनका हक दिलाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस पर ऐतराज जता रही है, जो कि सरासर गलत है। सहनी ने कहा कि वे हिमाचल में पैदा हुए हैं और यहीं उनका परिवार बना, यहीं वे व्यवसाय कर रहे हैं। हिमाचल की सरकार को राजस्व और लोगों को रोजगार दे रही है, लेकिन हिमाचल की सरकार उन्हें आज तक हिमाचली नहीं समझ रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी है कि उन्हें अमेरिका का सिटीजन बनना तो आसान लग रहा है, लेकिन हिमाचल में रहते हुए हिमाचली बनना उनके लिए टेढ़ी खीर बन चुका है। उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि जो व्यक्ति धारा 118 के लागू होने से पहले हिमाचल में रह रहा हो, उसे हिमाचल में जमीन खरीदने का हक होना चाहिए। देने के लिए हिमाचली हैं, यदि कोई इंडस्ट्री लगाई है यहाँ पर उसमें काम करने के लिए हिमाचली हिमाचल में रह सकते हैं, पर आप हिमाचली नहीं है, ना आप जमीन खरीद सकते हैं, ना आपको हिमाचली सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। यदि बच्चे ने यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन लेनी है, कहीं कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो उसको हिमाचली सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जबकि उसको हिमाचली सर्टिफिकेट मिलता नहीं। ग्रीन कार्ड बनवाना आसान है और हिमाचली सर्टिफिकेट बनवाना मुश्किल है। अमरीका में बसना आसान है, इंग्लैंड में बसना आसान है, ऑस्ट्रेलिया में बसना आसान है, हिमाचल में जो है बसना जो है वो वहाँ से भी ज़्यादा सख्त है। जो लोग हिमाचल में आज की डेट में हिमाचल में रह रहे हैं, यदि जिसका जन्म आज से 10 साल पहले हिमाचल में हुआ, 15 साल पहले हिमाचल में हुआ, जो लोग आज से 10-15 साल पहले या 5 साल पहले जो लोग यहाँ आए हैं, उनको यहाँ पर सिर्फ खाने पीने का और किराए पर रहने का अधिकार तो है, पर वो हिमाचली कहलाने का अधिकार नहीं है उनको।